वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 37। इससे पहले हमने एक से लेकर 36 तक सभी को एक एक करके डिस्कस कर लिया। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है स्पष्ट कीजिए कि चेयर फॉर्म, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, चेयर फॉर्म यानी कि कुर्सी, जानते हो कुर्सी, चेयर फॉर्म अवस्था का महत्व, बोट फॉर्म, ठीक है, किससे, बोट फॉर्म की अपेक्षा अधिक है, कैसा है, अधिक है, किसका, चेयर फॉर्म यानी कि कुर्सी अवस्था का महत्व बोट अवस्था, बोट की अपेक्षा अधिक है, ऐसा क्यों, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो चेयर फॉर्म है वो बोट फॉर्म की तुलना में अधिक स्थायी होती है। ठीक है, किसकी तुलना में, बोट फॉर्म की, या बोट अवस्था की तुलना में अधिक स्थायी होती है हमारी कौन सी, चेयर फॉर्म। ठीक है, क्यों होती है ये आपको बताना है। कह रहा है एक्सप्लेन द प्रेफरेंस ऑफ चेयर फॉर्म इज ओवर बोट फॉर्म। ठीक है, सबसे जो हमारे चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म होती है इनमें सबसे अधिक चेयर फॉर्म का महत्व क्यों है, यही बताना है। चलिए हम बात करते हैं। कह रहा साइक्लोहेक्सेन के दो असमतलीय कैसे होंगे, असमतलीय, ठीक है, ये आपके तल में नहीं होंगे, कोणीय तनाव रहित संरूपण संभव होते हैं। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के हमें दो असमतलीय कोणीय तनाव रहित संरूपण क्या है, प्राप्त होते हैं या इसके संभव होते हैं, जिन्हें क्रमशः कुर्सी फॉर्म और नौका रूप कहते हैं। पहले वाले को क्या कहेंगे हम, कुर्सी, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, नौका रूप कहते हैं। कह रहा है जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया, ये आपको दिखाई दे रहा है चित्र नंबर 1 और ये क्या है आपका स्ट्रक्चर नंबर 2। इन दोनों रूपों में 44 किलो जूल पर मोल या 44 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा का अंतर होता है, यानी कि ये जो दोनों आपको अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, इन दोनों के दोनों में अगर हम अंतर देखें ऊर्जाओं का, ऊर्जा का तो हमें कितना मिलता है, 44 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा का अंतर है। ठीक है, इन दोनों में अब देखो जो कुर्सी संरूपण है, ठीक है, और एक हमारा क्या है, नौका संरूपण, ठीक है, चेयर फॉर्म और एक क्या है आपकी, बोट फॉर्म। इनमें चेयर फॉर्म जो है वो मोस्ट स्ट्रांग होती है, स्टेबल होती है, और ये आपकी कैसी होती है, इसकी तुलना में कम स्टेबल होती है। रीज़न क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें चेयर फॉर्म की तो कुछ इस तरह से हमें ये देखने को मिल जाती है, ठीक है, और बोट फॉर्म हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। ये क्या है आपकी, बोट फॉर्म, किस, और ये क्या है आपका, एक साइक्लोहेक्सेन है, क्या है, साइक्लोहेक्सेन, जिसमें आपकी 6 कार्बन है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऐसे इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 कार्बन है दोनों में, ठीक है, तो ये क्या है आपका, एक साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें अगर हम देखें, इसमें इसका सबसे दूर वाला अगर हम कार्बन ले लें, ठीक है, चौथा, और ये क्या है आपका, पहला, तो इनके बीच में अगर हम देखें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, तो इनमें जो रिपल्सन हो रहा है वो कैसा है, बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम बोट फॉर्म की बात करें, ठीक है, किसकी, बोट फॉर्म की, तो यहाँ पहला कार्बन और इसका चौथा कार्बन, ये क्या है, लगभग इनके जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इसकी तुलना में अधिक, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसकी तुलना में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पर ले लें और दूसरा हाइड्रोजन क्या है ये, तो ये क्या है, एक दूसरे के पास पास है, जो कि, और इसमें कुर्सी फॉर्म में क्या है आपका, पहला कार्बन और चौथा कार्बन एक दूसरे से बहुत दूर है, ठीक है, तो इस वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को रिपेल नहीं कर सकता है, ये क्या कर रहा है, इनके बीच में थोड़ा क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है, ठीक है, इसी कारण ये जो बोट फॉर्म होती है, नौका संरूपण होता है, ये इसकी तुलना में कैसा होता है, कम स्टेबल होता है। ठीक है, अब देखो इन्होंने लिखा क्या है, क्या कह रहे हैं, नो बच्चों आगे पहुंच गए, ये क्या हो गया, ये है, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कुर्सी एवं नौका रूप संरूपण हमने देखा था अभी। कह रहा नौका रूप में निकटवर्ती, ये हमने देखा था नौका रूप, इसमें निकटवर्ती यानी कि एडजेसेंट कार्बन से, कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु अति निकट होते हैं, ठीक है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन परमाणु एक ऐसे होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, इसके कारण क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, कैसा होता है आपका, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, रिपल्सन होता है, नहीं इसकी बात कर, इसमें, इसमें ये जो पास पास वाले हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, इनमें हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में क्या होता है, ये इनमें
प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, लेकिन कुर्सी रूप में, संतारित रूप में, ठीक है, कुर्सी का जो स्टेगर्ड फॉर्म होता है, इससे पहले हमने पढ़ा था स्टेगर्ड और एक्लिस्ट फॉर्म, ठीक है, अग्रसित और अंतरित रूप, ठीक है, स्टेगर्ड और एक्लिस्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमने इसमें क्या लिया, कुर्सी का संतरित आंतरित रूप होता है, संतरित नहीं होता है, आंतरित, स्टेगर्ड फॉर्म। हाइड्रोजन परमाणु दूर दूर स्थित हैं। हाइड्रोजन परमाणु क्या है, एक हमने देखा था कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, इसमें क्या था, हाइड्रोजन परमाणु आपके बहुत दूर दूर स्थित हैं, जिसके कारण निकटवर्ती हाइड्रोजन परमाणुओं में कम प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, इसके कारण जो निकट पास वाले हाइड्रोजन परमाणु हैं इनमें क्या होता है, आपका जो प्रतिकर्षण होता है वो कैसा होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। नौका संरूपण में हाइड्रोजन परमाणु के अति निकट आ जाने के कारण, अभी हमारा जो नौका संरूपण है इसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या है, पास पास आ जाते हैं, ठीक है, जिससे उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, जब हाइड्रोजन परमाणु आपके पास पास आ जाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, आपको प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा, जिससे अणु का स्थायित्व कम हो जाता है। क्या हो जाता है, अणु का स्थायित्व कम हो जाता है, यानी कि कम स्टेबल होता है। कैसा होता है, कम स्टेबल होता है। इसी कारण नौका संरूपण कुर्सी की तुलना में, किसकी तुलना में, कुर्सी की तुलना में कम स्थायी होता है। कैसा होता है, कम स्थायी होता है आपका, ठीक है, नौका संरूपण कुर्सी की तुलना में कम स्थायी होता है, ठीक। कह रहा है नौका संरूपण कार्बन 1 व कार्बन 4 के हाइड्रोजन फ्लैग पोल, ठीक है, अभी हमने देखा था कार्बन 1 और कार्बन 4, ठीक है, क्या देखा था, कार्बन 1 कुछ इस तरह से था हमारा, ये 1, 2, 3 और यहां पर आपका था कार्बन नंबर 4, ठीक है। तो कार्बन 1 और हमने 4 देखा था, ठीक है, क्या था, कार्बन 4 और 1 के हाइड्रोजन फ्लैग पोल, क्या होता है ये, फ्लैग पोल, ठीक है, कुछ इस तरह से हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये जो कार्बन पहले और 4 के हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्लैग पोल, क्या कहलाते हैं, फ्लैग पोल कहलाते हैं, ठीक है। कह रहा है इनकी अन्योन क्रिया द्वारा, इनकी आपस में क्रिया होती है, ठीक है, किस क्या होती है, इनकी आपस में क्रिया होती है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, अणु में अस्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, अस्थायित्व उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये आपका चौथा कार्बन है, किसका, बोट फॉर्म का, ठीक है, किसका, बोट फॉर्म का। और ठीक इसी तरह से ये भी आप, ये आपका कौन सा है, पहला कार्बन मान लो, इस पर भी आपके दो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इनमें अन्योन प्रक्रिया, अन्योन क्रिया उत्पन्न हो जाती है, और क्या होता है, अन्योन क्रिया द्वारा अणु में अस्थायित्व उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इन हाइड्रोजनों में अन्योन क्रिया हो जाती है, जिसके कारण कि ये जो बोट फॉर्म है ये कैसी हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, इसमें क्या आ जाता है, अस्थायित्व उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अतः नौका संरूपण कुर्सी संरूपण की तुलना में अधिक स्थायी होता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो नौका संरूपण होता है वो क्या, नौका संरूपण कुर्सी संरूपण की तुलना में कैसा होता है, अधिक, लेकिन यहाँ क्या लिखा, अस्थायी, ये आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, अस्थायी, क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है, कौन, बोट फॉर्म, किसकी फॉर्म, किसकी तुलना में, चेयर फॉर्म की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि जो हमारी चेयर फॉर्म होती है या हम जिसको क्या कहते हैं, कुर्सी, कुर्सी संरूपण कहते हैं, ये अधिक स्थायी होता है, किसकी तुलना में, बोट की तुलना में या नौका तुलना में, या इसको इनने क्या लिख दिया कि नौका संरूपण, ठीक है, बोट फॉर्म, कुर्सी संरूपण, चेयर फॉर्म की तुलना में अधिक कैसा होता है, अस्थायी होता है, ये ध्यान रखना, क्या रखना, अस्थायी लिखा हुआ है, ठीक है। तो नौका संरूपण कैसा हो गया आपका, अस्थायी हो गया, कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो इनने कुछ इस तरह से दिखाया, ये आपका लिखा हुआ है, ये यहाँ पर है आपका कुछ इस तरह से, ये ठीक है, ये क्या है आपका, नौका, क्या है, नौका, ठीक है, या बोट फॉर्म, क्या है, बोट फॉर्म है। अब यहाँ पर देखो हम क्या है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा कार्बन, ये आपका कैसा है, चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठा कार्बन, सभी कार्बन से दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इससे भी आपके दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इससे भी आपके दो, और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आपके दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो, और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब क्या होता है कि ये जो आपके एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, ये जो ऊपर को आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं इस तरह से लगे हुए कार्बन नंबर 1 और 4 पे, तो इन्हीं के बीच में अन्योन क्रिया होती है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 1, ठीक है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6,
अब देखो कार्बन नंबर वन से लगा हुआ है एक दूसरा हाइड्रोजन, और पहला हाइड्रोजन कार्बन नंबर फोर से लगा हुआ है, ये पहला हाइड्रोजन हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये पहला हाइड्रोजन कार्बन नंबर चार का और ये पहला हाइड्रोजन कार्बन नंबर एक का, इन दोनों में क्या हो जाता है, यहाँ पर वांडरवाल्स प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, इनके बीच में वांडरवाल्स प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है भाई, वांडरवाल्स प्रतिकर्षण होता है। और इन दोनों हाइड्रोजनों को हम क्या कहते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन, जो कार्बन नंबर एक और कार्बन नंबर फोर पे प्रेजेंट रहते हैं, क्या कहलाते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहलाते हैं। और इनके बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, वांडरवाल्स रिपल्सन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो बस यही है आपका साइक्लोहेक्सेन नौका सरूपण, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन के नौका सरूपण में वांडरवाल प्रतिकर्षण आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी कारण ये कैसा होता है आपका, अधिक अस्थायी होता है। कैसा होता है, अधिक अस्थायी होता है, किसकी तुलना में, चेयर फॉर्म की तुलना में। ठीक है, तो आई होप कि आपको चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, चेयर और बोट, ये फॉर्म आपको समझ में आया होगा कि कौन सा अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी, और कौन सा आपका कम स्थायी होता है। ठीक है, हमने पे आप क्या पढ़ा था कि चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म में कौन सा मोर स्टेबल होता है और कौन सा लेस स्टेबल होता है। या आपको क्या बताना था कि जो हमारी नौका अवस्था है या जो हमारा नौका सरूपण है, वो चेयर यानी कि कुर्सी सरूपण की तुलना में अधिक अस्थायी होता है, क्यों होता है, ये हमें जानना था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी नौका फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, फ्लैग पोल हाइड्रोजन जो कि कार्बन नंबर एक और चार पर प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्या लगता है, वांडरवाल प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, वांडरवाल प्रतिकर्षण देखने को मिलता है, जिस कारण हमारी जो नौका सरूपण है या हमारा जो बोट फॉर्म है वो कैसा हो जाता है, अधिक अस्थायी हो जाता है। ठीक है, किसके कारण, ये आपको ध्यान रखना है, वांडरवाल्स प्रतिकर्षण। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।